गर्मी इतनी हो गई ना आजकल की, पूछो मत यार। सूरज देवता भैया जी बहुत खतरनाक बैठे। तो सीन कुछ ऐसा है कि फिजल है वन बाइट पे, उसके रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, काम में वो कुछ खा नहीं पाया सुबह से। तो अभी मुझे उसने बोला कि भाई घर जाके मेरा टिफिन पैक करा के लिया, मुझे जाके वो लेना है और फिजल के रेस्टोरेंट पे जाना है और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा कुछ काम है वो करवाना है। आंटी? आंटी तो नहीं है, अंकल है शायद। आप भी चल रहे हो क्या अंकल वन बाइट पे? आ जाओ। तो कॉल आया था मेरे पास कि वो खाना लेके आने का, घर से मिलेगा निकल कर मेरे हंडा लाऊ उसका। आप दादा हो उसके? तो ज्यादा मोहब्बत किसको है? सबको ही है इनको। अच्छा है यार, को ज्यादा है फिजल को ज्यादा। और ये पहुंच गए हम फिजल के वन बाइट रेस्टोरेंट में और ये है वन बाइट। और ये है भैया जी वन बाइट रेस्टोरेंट। 16 के बाद में ये ओपन हो जाएगा और अंबाजी इस साइड में, माउंट आबू इस साइड में, यहाँ पे कुछ कनेक्ट करता है और उसी के बीच में ये है इसका रेस्टोरेंट। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं फिजल क्या कर रहा है। लाइट क्यों बंद कर रखी है? लाइट को क्या करना था? लाइट को चालू कर दे। लाइटिंग्स बढ़िया लगती है इसकी मुझे, विदाउट ओपनिंग ऐसा कुछ दिखता है। अंडर प्रिपरेशन चल रहा है सारा का सारा काम, स्पीकर्स वगैरह आ गए हैं इसके, फैन है और बाकी फर्नीचर वगैरह तो आ गया है, ये कुछ बोर्ड्स है। मतलब बिना ऐसा खाए पिए कुछ सब काम वाम कर रहा है, लौंडा तरक्की करेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैजल खान, हम लोग यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। ऐसे झाड़ू में निकालता नहीं हूँ बट दोस्त के लिए। अरे तू चिंता मत कर भाई, क्रोमा से लेके आएगी आज के आज लगाएगा गाइस, आज के आज लगेगा एसी। हाँ तो एक सेकंड चल, अभी हम गाड़ी में सीधा बैठे, इसके चाचा से बात करेगा फिर ये बताएगा। हो थक गया यार मैं, तू बोला बहुत थकने के बाद ना छाछ का नशा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो थोड़ी देर से सोता हुआ मिलूंगा मैं इधर, तो पूरा नहीं आ रहा है पता है, अब ये पूरा आ रहा है। अभी एसी वाले को बुलाया है, उसको पैसा नहीं देगा मैं, दूसरे एसी वाले को, उसको नहीं बुलाया। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, इंसान जब अमीर होता है ना दोनों जेबों में भाई। तो ये सब करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन इसका काम है कि YouTube के एडवर्टाइज की तरह खत्म ही नहीं होता है। तो इतना सब करके मैं मेरे घर चैन की नींद लेने चले गया था और थोड़ी देर सोया, फिर इसका फोन आता है कि भाई मैं यश को लेके आ रहा हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यश कौन? तो यश है व्यापारी मंडल का मुखिया, फिजल की दूसरी मम्मी और एक शातिर चालाक लोमड़ी। इसको सब बनी बुलाते हैं, बनी इसको रणवीर की तरह घूमने के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि ये बनी आया है इसलिए सब इसको बनी बुलाते हैं। एक बात पूछो, ये रात को तो चश्मा पहन के क्या साबित करना चाहता है? अरे पनवेल जाना है। अच्छा दोस्त कौन है मेरा? सच बताना भाई। मैं ही हूँ दीपक। बस ना भाई,
इसका ना दीपक वापस लाइट चले गई, लाइट चले गई, गाड़ी के दीपक कैसे बुझ गए? और मैंने खाला लगा लाइट आ चुकी है, बंद कर, बंद कर। ये गाड़ी एक थोड़ी अजीब सी है, मतलब पता नहीं क्यों जैसे फैजल चले जाता है गाड़ी बंद करके ये लाइट भी चले जाती है फैजल के साथ। ऐसी होती है, आप महंगी गाड़ी में बैठे नहीं हो। ये महंगी कितनी महंगी? 14 लाख की। देखा, कहा था ना मैंने कैलकुलेशन और पैसा इसके मुंह जबानी रहता है। फैजल बताएगा, फैजल आ गए तुम? हाँ बेटा। हमको भैया फ्लैश लाइट चालू, मुझे मालूम मेरे बच्चे। पैसे कौन देगा? तू भी देगा? देखो ऐसा सन्नाटा छाता है जब पैसे की बात। अरे ये क्या बात है? ये देख, जिंदगी में पहली बार पैसे देने की बात की, उसमें एक्टिंग चालू कर दी। सब स्क्रिप्टेड है भाई। जब से नौकरी लगे तेरा पार्लर पर्सन कौन? ढाई साल जो ले रहा है अलग अलग दिन भूखे है भाई। स्माइल देख लो गाइस, ये ना रंजीत भाई का दूसरा पार्ट है ना। तेरा क्या नाम है? लाला भाई। और कौन लाला भाई? इसका नाम लाला भाई है। भाई किसने लगाया? भाई किसने लगाया? अपुनिया ने। फिर से फिर से। अरे भाई किसने लगाया? दुनिया ने। अरे वो बिल नहीं आया पहले जो बोला था ना मैंने? नहीं, इसमें तो जोश था भाई। भाई किसने लगाया? दुनिया ने। पहले जो आया था वही। देखो खा खा के क्या मम्मी मना करती खाने खाने के बाद ही टोकने का। तो गाइस रात में वन बाइट कुछ ऐसा दिखता है। अच्छी वाला गाइस जो भी है ना बहुत बुरा है। सुबह भी यही हाल हुआ था और अभी भी यही हाल हुआ है। अभी भी नहीं आया है वाला भाई। सुबह भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो सुबह तो हमने प्लान भी कर लिया था कि क्रोमा जाके ले वाले। उसके चाचा ने समझाया हमें, चलो यार जो भी है देखो, मतलब बुरा तो लगता है दोस्त के लिए, बट सैंडविच का तो, सैंडविच तो भाई खा ही सकते। आज सर्विंग करते ना का पहला जो सर्व होगा वो मैं ही करूँगा। रेस्टोरेंट तो जब चालू होगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन ये पिज़्ज़ा वाली डिश पे हमारे पैक करे हुए सैंडविच तो खा ही सकते हैं भाई। जाओ ए, अंदर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो ले। मैं मारूंगा ना। अंदर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो तो लिया भाई। यार ले आ यार, देख देख नशेड़ी को देख, कभी छाछ के कभी बादाम से केचप के नशे कर। ये दिन में जितना खाता था उतना काम तो नहीं करता ये। सपना था कि एक अपना खुद का रेस्टोरेंट हो, जो कि अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा पूरा होता जा रहा है। अरे वन बाइट की जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग है वो हमने 16th को रखी है। जितने भी लोग आप देख रहे हो ट्राई करो आबू वाले सारा आने के लिए। ये जो रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से आबू रोड में सबसे पहला ऐसा रेस्टोरेंट होने वाला है। और सीरियसली इतना ऑर्गेनाइज, इतना फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट तो मैंने आबू रोड में कहीं नहीं देखा। और टाइमिंग 4 PM इनॉग्रेशन का। टाइमिंग इज 4 PM शाम को 4 बजे के आसपास। हाँ भाई हाइजीनिक भी है, हाइजीनिक भी है गाइस। 4 बजे शाम को 16 की हम लोग इसकी ओपनिंग करने वाले हैं। ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, सब लोग आइए, सब लोग टेस्ट करके जाइए, बहुत अच्छा लगने वाला है।
फिजल दी ओनर गाय बाय बाय कर दो। आप कुछ कहना चाहोगे कि नहीं? अच्छा फील हो रहा है बहुत, अभी अपना सबका खुद का कुछ हो रहा है, मतलब फाइनली एस्टैब्लिश हो चुका है। तो फिजल का खुद का रेस्टोरेंट है ये, आइए आशीर्वाद देके जाइए एंड बेस्ट विशेस फॉर द वर्ल्ड। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अभी आगे क्या आ जाए आगे। So it's time to say goodbye, good night and shabakin. Bye bye.